Hey guys, and welcome back to CryptoLogic India. Mera naam hai Yatin. So Bitcoin ke short term time frames pe hum ek acha upside move dekhne ko mil raha hai. Aur ab yahan se analysis karna bahut zyada interesting hoga ki Bitcoin short term resistance ko break kar pata hai aur macro targets ko reach kar pata hai ya ye just ek massive fake out hai before a good crash. So bina time lete hue video ko start karte hain. Okay guys, so हम अपनी analysis की शुरुआत करते हैं open interest के साथ, जहां पर आज हम देख सकते हैं on a weekday open interest जो है वो 632 millions पे है, which shows that open interest में हमें ज़्यादा change देखने को नहीं मिला है, but definitely हमें थोड़ा बहुत incline देखने को ज़रूर मिला है open interest के अंदर. अगर मैं fear and greed index की बात करूं, so fear and greed index की जो read है वो 38 पे है, which is still into a very fearful zone. Even though market में हमें short term time frames के अंदर एक अच्छा move देखने को ज़रूर मिल रहा है, but market जो है वो still fearful zone के अंदर है. अगर मैं ऐसे 24 hour real volume की बात करूँ top 10 exchanges के अंदर, this is at extreme low. मतलब even on a weekday हम यहाँ पर देख सकते हैं जो 24 hour real volume है top 10 exchanges के अंदर, that is at 970 millions. So 970 millions जो 24 hour real volume है वो बहुत ज़्यादा low है. And this shows that market में बहुत ही ज़्यादा कम volume है, बहुत ही ज़्यादा कम liquidity है. And हमें यहाँ पर massive wick moves देखने को मिल सकते हैं, जहां पर लॉन्ग पोजीशंस भी लिक्विडेट होती हैं, शॉर्ट पोजीशंस भी लिक्विडेट होती हैं. सो 24 आवर रियल वॉल्यूम जो है वो एक्सट्रीम लो पे अभी हमें देखने को मिल रही है. अगर मैं ऐसे फ्यूचर मार्केट कैप की बात करूं, सो 24 आवर फ्यूचर मार्केट कैप जो है हमें यहाँ पर एक सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है सभी एक्सचेंजेस में एक्सेप्ट OKX फ्यूचर में, जहां पर हम देख सकते हैं OKX फ्यूचर के अंदर 48% ऑफ द पोजीशंस जो है वो शॉर्ट में ओपन है एज कम्पेयर टू 51 लॉन्ग्स के साथ. सो OKX फ्यूचर जो है आज हमारा ऑड वन आउट एक्सचेंज यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है. On the other hand, जहां पर मैं Binance Future की बात करूं, BitMEX की बात करूं, Bybit की बात करूं, हमें सभी में एक सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है that काफी अच्छा पोर्शन, लाइक ऑलमोस्ट 54 से 53% ऑफ द पोजिशन जो है वो लॉन्ग में ओपन है एज कम्पेयर टू 46% शॉर्ट के साथ. सो फ्यूचर मार्केट कैप्स में हमें यहाँ पर बायस जो है वो लॉन्ग्स में ज्यादा दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है. बट द ओनली कंसर्न इज दैट 24 आवर रियल वॉल्यूम जो है वो काफी ज्यादा लो है यहाँ पे, एंड फियर इंग्रेडिएंट इंडेक्स की जो रीड है वो 38 पे शो हो रही है, जो कि काफी फियरफुल जोन के अंदर है. सो इन सब मेट्रिक्स को ध्यान पे रखते हुए, जहां पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो 631 मिलियंस के करीब है, 24 आवर रियल वॉल्यूम लेस देन 1 बिलियन है, एंड फ्यूचर मार्केट कैप्स जो है उसका बायस है वो लॉन्ग में ज्यादा है एज कम्पेयर टू शॉर्ट में. सो इन सब मेट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं, एंड हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करेंगे बिटस्टैम्प के डेली चार्ट के साथ, जहां पर हम एक चीज अभी भी नोट कर सकते हैं ऑन अ मैक्रो एनालिसिस कुछ भी हमें यहाँ पर चेंज देखने को नहीं मिला है. अभी भी हमारी जो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है, जो आप ये येलो लाइन देख सकते हैं, स्टिल काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन प्ले कर रही है, और इस टाइम पे वो ऑलमोस्ट 9450 के लेवल पे है. अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऑन करूं, सो हम ये नोटिस कर सकते हैं इवन अभी हमारी जो ये ब्लू ट्रेंड लाइन है, जो ऑलमोस्ट हमें पहले 20 मार्च से पहले हमारा रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही थी, एंड आफ्टर 28 अप्रैल काफी अच्छा सपोर्ट जोन प्ले कर रही है. एंड हम यहाँ से देख सकते हैं दैट बिटकॉइन एग्जैक्ट इस टाइम पे उसी ट्रेंड लाइन से ऊपर ब्रेक हुआ है एंड काफी अच्छे इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रखा है. और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट जो एरियाज हैं वो काफी ज्यादा स्क्वीज हो गए हैं इवन ऑन अ मैक्रो एनालिसिस. यहाँ पर मैं आपको एक चीज नोटिस करा सकता हूँ, जो मेरी 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो ये ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं, ये स्लोली एंड स्टेडली जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट जोन के करीब आ रही है, जो कि ऑलमोस्ट 9200 का लेवल है. And I think if Bitcoin 9200 से 3 या 4 days और ऊपर ट्रेड करता रहता है, ये जो हमारी green 55 exponential moving average है, ये भी 9250 के लेवल पे आ जाएगी, जो कि हमारा मैसिव सपोर्ट जोन है बिटकॉइन के लिए मैक्रो एनालिसिस के अंदर भी एंड शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर भी. एंड इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल या इवन अ 4 आवर कैंडल 9250 के लेवल से नीचे ब्रेक करता है, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो डाउन साइड एरिया पे देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट 8900 पे, जहां पर हम नोटिस कर सकते हैं जो हमारा फिबोनाची लेवल का पॉइंट है 50% का वो आ रहा है. जो 50% का लेवल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल में. इफ आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से अवेयर नहीं है, आप मेरी टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट एक रेडी की हुई है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे, एंड आप वहां पर नोटिस कर सकते हैं दैट 50% का जो लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के अंदर वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दैट मैक्रो एनालिसिस के अंदर बिटकॉइन बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है टॉप साइड रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए. एंड इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल या इवन अ 12 आवर कैंडल जो है इस लास्ट रेजिस्टेंस जोन से ऊपर क्लोज कर पाता है, जो कि 9550 के करीब है, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो 9900-9850 पे देखने को मिलेगी, जो उसके बाद हमें फर्दर कंटिन्यूएशन टॉप साइड पे देखने को मिल सकती है ऑलमोस्ट 10,000 पे.
बट यहाँ पर अभी भी बिटकॉइन के पास काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है ऊपर ब्रेक करने के लिए। हम यहाँ पर एक चीज और नोटिस कर सकते हैं दैट वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट 11th मई से मोर देन वन मंथ वॉल्यूम जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एंड इसका एपेक्स जो है वो ऑलमोस्ट 70-80% फुल होने के बाद ब्रेक हो सकता है बिकॉज हम जानते हैं बिटकॉइन जो है वो काफी ज्यादा इंपेशेंट एसेट है एंड हमें इसका जो रेजोल्यूशन है इस मंथ के एंड में देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पर मैं जो लेवल्स की बात कर रहा हूँ ये मैं मैक्रो लेवल्स की बात कर रहा हूँ विच मीन्स इधर आप ब्रेक अबव 9850 और इधर आप ब्रेक बिलो 8900। अगर यहाँ से 8900 बिटकॉइन लूज कर देता है हमें काफी अच्छा मैसिव सपोर्ट जोन देखने को जरूर मिलेगा 8700 पे जो कि हमारा मैक्रो सपोर्ट जोन है। बट एज सून एज बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल या 12 आवर कैंडल जो है 8700 से नीचे क्लोज करता है हम लोग मैक्रो एनालिसिस के अंदर जो है वो लोअर लो की फॉर्मेशन क्रिएट करने लग जाएंगे जिसके बाद पूरा सिनेरियो जो बिटकॉइन का है वो बेरिश कन्वर्ट हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड इफ बिटकॉइन 9900 का लेवल क्लोज कर पाता है ऑलमोस्ट 10,000 का ऑन अ डेली बेसिस हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है बिटकॉइन उसको रीटेस्ट करेगा 10,500 पे। सो मैक्रो एनालिसिस जो है वो इस टाइम पे काफी ज्यादा न्यूट्रल लग रहा है बट ये कंप्लीट सिनेरियो चेंज हो जाएगा इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल जो है 9550 के ऊपर क्लोज कर पाता है। हम यहाँ से अपनी मूविंग एवरेजेस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी एक बार रिमूव कर लेते हैं एंड एक बार बॉलिंजर बैंड भी चेक कर लेते हैं मैक्रो एनालिसिस के अंदर। सो हम बॉलिंजर बैंड में भी देख सकते हैं जो अपर बैंड है एंड लोअर बैंड है काफी ज्यादा स्क्वीज हो गए इस टाइम पे एंड ये शो करता है दैट मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो सूपर लो लेवल्स पे इस टाइम पे। और हम यहाँ पर जो हमारी ब्लू लाइन देख सकते हैं जो हमारी मेन लाइन है ये ऑलमोस्ट 9550 के लेवल पे आ रही है जो कि हमारा मैसिव रेजिस्टेंस जोन है। इफ बिटकॉइन यहाँ से डेली कैंडल या इवन अ 12 आवर कैंडल जो है 9550 के लेवल के ऊपर क्लोज कर पाता है आई थिंक बिटकॉइन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 9900 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। सो अगर हम यहाँ से बॉलिंजर बैंड को क्लोज करें एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एंड मूविंग एवरेजेस को दोबारा ऑन करें हम देख सकते हैं दैट बिटकॉइन के पास एक अच्छा सपोर्ट जोन भी है 9250 का लेवल एंड अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट भी 9550 का लेवल। सो बिटकॉइन काफी ज्यादा स्क्वीज हो रहा है इसी रेंज के अंदर एंड आई थिंक बहुत ही जल्दी हमें इन लेवल्स का रेजोल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर मैं ऐसे शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात करूं बिकॉज शॉर्ट टर्म एनालिसिस पे हमें एक्चुअल प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रहा है एंड वहीं पर हमें काफी अच्छा मूव भी देखने को मिला है जहां पर बिटकॉइन ने सभी मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। इवन बिटकॉइन ने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं दैट बिटकॉइन ने शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया है। ये हमारा एक लो है उसके बाद एक हायर लो है जो कि शॉर्ट टर्म एनालिसिस में एक अच्छी बात है बट स्टिल बिटकॉइन के पास एक अच्छा लेवल रेजिस्टेंस है ब्रेक करने का 9550 का जो हमारा मैक्रो एनालिसिस के अंदर भी सेम है एंड शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर भी सेम है। इफ बिटकॉइन यहाँ से कोई भी 4 आवर कैंडल भी जो है 9550 के ऊपर क्लोज कर पाता है हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो टॉप साइड पे देखने को बोल सकते हैं 9850 पे। यहाँ पर मैं एक और मूविंग एवरेज को ऑन करना चाहूंगा जो कि हमारी 200 सिंपल मूविंग एवरेज है जो हमारी डॉटेड लाइन है ये हमारी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये जो हमारी व्हाइट लाइन है ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज है जो बिटकॉइन के अंदर इस टाइम पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन प्ले कर रही है 4 आवर क्लोजिंग बेसिस पे। इवन इफ बिटकॉइन 4 आवर क्लोजिंग बेसिस पे इस लेवल को रीगेन कर पाता है आई थिंक 9550 को दोबारा रीगेन कर पाएंगे बट फॉर मी दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग जोन बिकॉज यहाँ पर जो एरियाज हैं वो काफी ज्यादा स्क्वीज हो चुके हैं। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बट यहाँ पर एरियाज जो है वो काफी ज्यादा स्क्वीज हो चुके हैं एंड दिस इज लुकिंग रियली रियली टाइट टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पर भी हमारे बिल्कुल सेम ही लेवल्स हैं बिल्कुल मैक्रो एनालिसिस की तरह एनी सॉर्ट ऑफ अ 4 आवर क्लोज अबव 9550 हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो ऑलमोस्ट 9850 9900 पे देखने को मिल सकती है बट इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अ गुड कॉन्फर्मेशन हमें कोई भी 4 आवर क्लोजर जो है वो 10,000 के ऊपर देखना है ताकि हमें जो फर्दर कंटिन्यूएशन है ऑलमोस्ट 10,500 पे देखने को मिले जो हमारा मैक्रो रेजिस्टेंस जोन है। ऑन दी अदर हैंड एनी सॉर्ट ऑफ अ 4 आवर क्लोज बिलो दिस लो जो हमारा लास्ट लो था ऑलमोस्ट 9260 के करीब हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है 8900 पे देखने को मिलेगी वेरी वेरी लाइकली। अगर मैं ऐसे स्टोकेस्टिक की बात करूं सो स्टोकेस्टिक आर ट्राइंग टू कम अप हमें यहाँ पर सेम स्नेक पैटर्न देखने को मिल रहा है विच इज अ बुलिश थिंग एंड तभी हमें यहाँ पर एक वो मूव देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट $200 का बट स्टिल बिटकॉइन के पास एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है ब्रेक करने के लिए। अगर मैं 3 आवर स्टोकेस्टिक की बात करूं सो 3 आवर स्टोकेस्टिक जो है वो भी ऊपर की तरफ कर्व करें विच इज ऑल्सो गुड। 2 आवर स्टोकेस्टिक की अगर हम यहाँ पर बात करें सो 2 आवर स्टोकेस्टिक आर ट्राइंग टू कम अप एंड अगर मैं 1 आवर स्टोकेस्टिक की बात करूं सो वो भी बुलिश जोन के अंदर है। सो बिटकॉइन के पास एक काफी अच्छा यहाँ पर एक एरिया है 9550 को ब्रेक करने का। इफ बिटकॉइन 9550 के एरिया को रीगेन कर पाता है आई थिंक दैट विल बी रियली बुलिश फॉर बिटकॉइन इवन ऑन अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस एंड आई थिंक मैक्रो एनालिसिस भी थोड़ा बहुत वहां से चेंज हो जाएगा। मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस में एक और चीज यहाँ पर नोटिस कराना चाहूंगा जो कि हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है।
हम देख सकते हैं दैट बिटकॉइन इसको काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन प्ले कर रखा है 9450 का जो है लेवल है जहां पर बिटकॉइन को काफी ज्यादा ट्रबल हो रही है इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के लिए। एंड सेम लेवल हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर भी देख सकते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ अ 4 आवर क्लोज अबव 9500 फॉर अ वेरी अग्रेसिव ट्रेडर हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो अपसाइड पे देखने को मिलेगी, बिकॉज हमारा जो 23% का लेवल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे ऑलमोस्ट 9250 का वो एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन रोल प्ले करता है। सो फॉर एनी ट्रेडर अगर मैं यहाँ पर बायस लेना चाहूँ एंड सिंपल एरिया को मार्क करना चाहूँ फॉर अ लॉन्ग पोजिशन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, एनी सॉर्ट ऑफ अ मूव अबव 9550 हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है 9800 9950 पे देखने को मिल सकती है, एनी सॉर्ट ऑफ अ मूव बिलो 9250 हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है 8900 पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एक बार हम सीएमई फ्यूचर्स की भी बात कर लेते हैं, सीएमई फ्यूचर्स को भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। सो सीएमई फ्यूचर्स में भी हम देख सकते हैं जो ये हमारी ब्लू ट्रेंड लाइन है ये पहले काफी अच्छे सपोर्ट जोन प्ले कर रही थी, बट हमें लास्ट वीक देखा था ये जो हमारी सपोर्ट जोन थी ये ब्रेक हो गया था एंड बिटकॉइन की इस टाइम पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस जोन प्ले कर रहा है। सो यही चीज मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ दैट बिटकॉइन के पास काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है 9550 का जो लेवल है ब्रेक करने के लिए। इफ बिटकॉइन सीएमए फ्यूचर्स के ऊपर भी 9550 का लेवल ब्रेक कर पाता है वो सेम चीज हमें स्पॉट मार्केट पे भी देखने को मिलेगी, इवन दो वहां पर $100 का प्राइस प्रीमियम है बट बिटकॉइन काफी ज्यादा रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर लेगा वहां से। अगर मैं स्टोकेस्टिक की भी बात करूं सो स्टोकेस्टिक पे भी हमें एक अच्छा कर्व एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर भी एक हमें एक अच्छी ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई दिख रही है विच इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, दिस शोज दैट हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम जरूर है ऊपर तरफ ब्रेक करने के लिए बट जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा लो है यहाँ से। सो बिटकॉइन अभी भी उसी मिस्ट के अंदर है, सेम रेंज को ट्रेड कर रहा है बट इस टाइम पे जो टॉप साइड एरिया है वो ज्यादा पॉसिबल लग रहा है ब्रेक करने के लिए। यहाँ पर एक बार हम ट्रेडिशनल मार्केट को भी देख लेते हैं, यूएस स्टॉक मार्केट को। सो यूएस स्टॉक मार्केट भी हम देख सकते हैं वो रैली कर रही है एंड दैट इज द ओनली रीजन हमें बिटकॉइन के अंदर भी मूव देखने को मिल रहा है। दिस शोज एक काफी अच्छा कोरिलेशन जरूर है यूएस स्टॉक मार्केट का बिटकॉइन के साथ बट स्टिल यहाँ पर अभी भी काफी अच्छे रेजोल्यूशन हमें देखना बाकी है बिकॉज शॉर्ट टर्म एनालिसिस पे डेफिनेटली यूएस स्टॉक मार्केट के पास एक अच्छा सपोर्ट जोन जरूर है 9950 पे एंड इफ ये लेवल ब्रेक होता है हमें वो सेम ड्रॉप जो है वो बिटकॉइन में भी देखने को मिलेगा, बट इफ यहाँ से वो दोबारा लेवल रीगेन कर लेता है 10,000 का यूएस स्टॉक मार्केट हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो बिटकॉइन पे भी देखने को मिलेगी। यहाँ से हम एक बड़ी ऑर्डर बुक्स को भी चेक कर लेते हैं जिसको नोटिस करना बहुत जरूरी है। सो हम ये ट्रेडिंग लाइन पे ऑर्डर बुक देख सकते हैं बाइनेंस की, हमारे पास काफी अच्छा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट, काफी ज्यादा यहाँ पर बिटकॉइन हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 200 बिटकॉइन की एक सेल वॉल हमें देखने को मिल रही है 9450 पे एंड अगर हम यहाँ से इसको ऊपर मूव करें सो ऑलमोस्ट 200-300 बिटकॉइन की हमें सेल वॉल देखने को मिल रही है 9500 लेवल पे। सो हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दैट काफी ज्यादा हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इवन ऑन द ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 9600 की अगर यहाँ पर लेवल तक बात करें सो हमें 400 से 500 बिटकॉइन जो है रेजिस्टेंस वॉल देखने को मिल रही है। जहां पर मैं बात करूं बॉटम साइड लेवल्स की सो हमें काफी अच्छा सपोर्ट जोन जरूर देखने को मिल रहा है 9200 पे, सेम लेवल्स की मैं यहाँ पर बात करूं 300 बिटकॉइन की बाय वॉल देखने को मिल रही है हमें ऑलमोस्ट 9200 के लेवल पे। सो एरियाज जो है यहाँ पर काफी ज्यादा फिक्स है एंड मैं अगर इसको सिंपली रैपअप करना चाहूँ यहाँ से लॉन्ग टर्म एनालिसिस के अंदर इसको रैपअप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं मूविंग एवरेजेस को भी रिमूव कर देता हूँ। एनी सॉर्ट ऑफ अ डेली क्लोज और 12 आवर क्लोज अबव 9550 फर्दर कंटिन्यूएशन टू द 9850 लेवल, एनी सॉर्ट ऑफ अ डेली क्लोज बिलो 9250 लेवल फर्दर कंटिन्यूएशन टू द 8900 लेवल। सो गाइस मैं अपनी एनालिसिस को यहीं पर ही रैप अप करूंगा, इफ आपको मेरी आज की एनालिसिस पसंद आई हो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू क्रिप्टोलॉजिक इंडिया ताकि मैं अपने डेली बिटकॉइन एनालिसिस करता रहूं और आपको डेली बिटकॉइन चार्ट से अपडेटेड रखूं। So thank you so much for watching this video guys. Have a great day. Thank you so much. Would you be my